झूठ का पर्दाफाश, क्या नेहरू हिंदू विरोधी थे? अक्सर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा की ट्रोल आर्मी इल्जाम लगाती है कि वह हिंदू विरोधी थे। कुछ लोग तो ये भी अफवाह फैलाते हैं कि वह मुसलमान थे। सोशल मीडिया पर कई सालों से जवाहरलाल नेहरू को लेकर इस दावे के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे और पेशे से बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जवाहरलाल नेहरू की माता लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। सच तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू अपने धर्म और संस्कृति का पालन पूरी ईमानदारी से करते थे। उनके लिए धर्म राजनीति नहीं बल्कि निजी अध्यात्म का विषय था। हिंदू धर्म को लेकर नेहरू के विचार खासे उदार थे। वे महात्मा गांधी की उसी धार्मिक दृष्टि से प्रेरणा लेते थे जो कहती थी कि इतने विशाल देश को धर्म को किनारे रखकर नहीं चलाया जा सकता। उनके लिए धर्म का मतलब एक निजी आध्यात्मिकता थी। यह बात सच है कि जवाहरलाल नेहरू धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ जीवन भर डटे रहे। हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत में उनकी गहरी रुचि थी और वो उसका पूर्णतः पालन करते थे। अब आते हैं नेहरू जी के ऊपर लगाए गए दूसरे इल्जाम के बारे में। सच तो यह है कि नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं। ये बात हिंदू सभा के अध्यक्ष एन.बी. खरे ने बोली थी। भाजपा समर्थित ट्रोल आर्मी नेहरू जी को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच तो ये है कि हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो काम किए, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। झूठ की बुनियाद पर पंडित नेहरू की छवि बिगाड़ने की भाजपाई साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। झूठ का पर्दाफाश, क्या नेहरू हिंदू विरोधी थे? अक्सर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा की ट्रोल आर्मी इल्जाम लगाती है कि वह हिंदू विरोधी थे। कुछ लोग तो ये भी अफवाह फैलाते हैं कि वह मुसलमान थे। सोशल मीडिया पर कई सालों से जवाहरलाल नेहरू को लेकर इस दावे के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे और पेशे से बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जवाहरलाल नेहरू की माता लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। सच तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू अपने धर्म और संस्कृति का पालन पूरी ईमानदारी से करते थे। उनके लिए धर्म राजनीति नहीं बल्कि निजी अध्यात्म का विषय था। हिंदू धर्म को लेकर नेहरू के विचार खासे उदार थे। वे महात्मा गांधी की उसी धार्मिक दृष्टि से प्रेरणा लेते थे जो कहती थी कि इतने विशाल देश को धर्म को किनारे रखकर नहीं चलाया जा सकता। उनके लिए धर्म का मतलब एक निजी आध्यात्मिकता थी। यह बात सच है कि जवाहरलाल नेहरू धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ जीवन भर डटे रहे। हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत में उनकी गहरी रुचि थी और वो उसका पूर्णतः पालन करते थे। अब आते हैं नेहरू जी के ऊपर लगाए गए दूसरे इल्जाम के बारे में। सच तो ये है कि नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं। ये बात हिंदू सभा के अध्यक्ष एन.बी. खरे ने बोली थी। भाजपा समर्थित ट्रोल आर्मी नेहरू जी को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच तो ये है कि हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विरासत की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो काम किए, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। झूठ की बुनियाद पर पंडित नेहरू की छवि बिगाड़ने की भाजपाई साजिश कभी कामयाब नहीं होगी।